नवरात्रि चल रहा है तो उसके लिए बहुत सारा चुन्नी भी चाहिए। इतने दर्शन लगे हो, बहुत ही प्यारा। छोटे केला का फूल, हमारे नेपाली में कोल बुंगा बोलते हैं। ये मोटा बर्मा धनिया 20 रुपया। सब्जी खरीद लिया है, ये है मेन चना मटर। कब तक वो नमक समक ठीक छ? वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे इस्कामी परिवार में वेलकम है दोस्तों। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाजार घूमने के लिए और मैं दिखाऊंगी आज बाजार में क्या क्या होने वाला है। तो वैसे अभी है पूरा शाम का टाइम और पासीघाट में वैसे लाइट भी नहीं है अभी, तो कुछ बन रहा है, अभी मेंटेनेंस चल रहा है। तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, अंधेरा ही होगा लेकिन फिर भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कैसा होता है क्या होता है। मैं क्या क्या खरीदने वाली हूँ, क्या लेने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहे दोस्तों। ओके, तो फ्रेंड्स अभी मैं बाजार आ चुकी हूँ। देखिए बाजार एकदम भीड़ भाड़ है क्योंकि अभी नवरात्रि का टाइम है दोस्तों। चारों तरफ पूजा का सामान बिक रहा था तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ क्योंकि मुझे कुछ मूढ़ियाँ लेनी थी। चल रहा है तो उसके लिए बहुत सारा चुन्नी दिख रहा है। ये सब चुन्नियाँ दोस्तों माता को चढ़ाने के लिए रखा गया है। मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा तो मैंने ये सब भी कैप्चर कर लिया ताकि आप लोग भी देखें कि मैं बाजार पे। वैसे दोस्तों मैं रात के टाइम पे आई हूँ, अभी बिल्कुल लाइट नहीं है हमारे यहाँ पे। अब मैं वहाँ से निकल के दोस्तों सीधा आ गई हूँ सब्जी मंडी पर और मैंने सोचा कि कुछ ताज़ा सब्जियाँ भी ले लूँ। एक मुठा यो, एक मुठा त्यो ले लेना, एक मुठा त्यो, एक मुठा अंगर भाई आजा मिक्सअप कर रहा है। वाला क्या है? मिक्सर वाला, मिक्सर सब्जी, मिक्सर है ना। पम्पकिन स्वीट पोटैटो, तो ये तो बहुत लंबा लंबा लग रहा है। सब्जी खरीद लिया है, ओते तेल ले ले। और हमारी आंटी है, हमारी पड़ोसी है। कति अरे 50 अरे ये भी 50 ऐसा करके किलो अंकल, ये 300 डब्बा हो। कीवी कितना है? 150 फ्रेश फ्रूट है, कैसा पैकेजिंग में आता है। रात का टाइम पर सब्जी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रहा था मुझे तो एकदम, जबकि लाइट भी नहीं था फिर भी सब्जी दिखने में एकदम फ्रेश। कैसा करके ये मोटा बर्मा धनिया 20 रुपया, 10 नहीं होगा? उठाना उठाना, तो मैंने ये ले लिया है दोस्तों। देख, तो मैंने ये ले लिया है बनाना का फूल, हमारे नेपाली में कोल बुंगा बोलते हैं, बहुत टेस्टी होता है, कल बनाएंगे इसे। अरे इन्हें मैं गली मक्खन का मार दूँ। दोस्तों ये तो किसी भी प्लास्टिक में नहीं घुसेगा, इसे हमें हाथ में ही लेना होगा। तो इसके लिए प्लास्टिक मिलना मुश्किल है, देखिए कितना साइज में बड़ा है, हाथ में लेना होगा। ये बनाना का फूल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है दोस्तों। कई लोग बोलते हैं कि मच्छी की सब्जी का भी ये फैन कर देता है, देखते कल बनाएंगे, लेकिन बहुत टेस्टी होता है। लेकिन बहुत खतरनाक होता है खाने में, लेकिन टेस्टी भी बहुत ज्यादा है। दे दीजिए एक बार, दे दीजिए, हाँ इसमें डाल दीजिए। 20 रुपया। ये मैं मम्मी के लिए ले रही हूँ क्योंकि मम्मी तो रेडी लगाते ना साड़ी पे, और सुहागन के लिए तो सॉरी 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 रेडी चलता है मम्मी के लिए। बहुत सारा कलर वाला नहीं है, कलर वाला उससे छोटा होगा। नहीं नहीं मम्मी के लिए इतना तो चाहिए ना, हो जाए यही ठीक से, ये साइज ठीक ही होगा क्या मम्मी के लिए? ले जाए
तो देखिए दोस्तों इतना प्यारा प्यारा पिगी बैंक से देखिए, ऐसा छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पैसा जमा कर, गुल्लक बोल सकते हैं ये गुल्लक। अभी मैंने बिंदी भी खरीदा तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये सब भी दिखा दूँ, एक इतना प्यारा प्यारा ये सब देखने पर मन करता है कि सब कुछ खरीद लूँ। मैंने वैसे मुझे मम्मी के लिए बिंदी खरीदना था तो मैंने सोचा कि ये सब भी मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूँ। देखिए शाम का टाइम का बाजार हमारे पास घर का बाजार ऐसा दिखता है, वैसे अभी लाइट ही नहीं है। अभी घर ही जाना, कुछ खाएंगे जलेबी, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जलेबी हमारे यहाँ का कैसा बनता है, तो चलिए मेरे पास। सब्जियों की दुकान से निकल के दोस्तों मैं सीधा आ गई हूँ चप्पलों की दुकान पे, क्योंकि अभी पूजा के टाइम पे बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन बाहर निकाल के रखा गया था, मुझे बहुत ही प्यारा लगा तो मैंने एक दो ट्राई भी किया, मैंने दो तीन पहन पहन के ट्राई किया दोस्तों। रात का भी टाइम था लेकिन फिर भी रात का अंधेरा में ही ये रात का इतना अच्छे से शाइनिंग कर रहा था दोस्तों, मुझे बहुत सुंदर लगा, मैंने दो तीन पहन के ट्राई भी किया। देखिए आप लोग आगे मेरे पास पैसा पूरा खत्म हो गया था दोस्तों, बस बचा था 200 रुपीज़, खड़ा खड़ा के अंकल ने फाइनली मुझे 200 में दे दिया। अभी पूजा का टाइम भी है वैसे, इतना कम भी होता नहीं, तो मुझे ये कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन लास्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये जुत्ती शाइनिंग, और इसका शाइनिंग देखिए दोस्तों पूजा के लिए एकदम परफेक्ट। देखिए तो बहुत ही प्यारा, मेन बात तो दोस्तों कंफर्टेबल, सुंदर से भी ज़्यादा कंफर्टेबल, मेरा पैर के लिए एकदम ठीक है, साइज मेरा बहुत छोटा रहता ना, अंकल ने थैंक गॉड की दे दिया मुझे। अब आप लोगों को मेरे इसी चप्पल में ब्लॉग तो दोस्तों जलेबी वाला तो मिला नहीं, जल्दी ही उड़ गया, रात के टाइम पे लाइट भी नहीं था, तो हमें वहीं पास में दिखे एक चना मटर बनाने वाले अंकल, तो हमने उनसे कहा कि आज मैं चना मटर खाने आई हूँ दोस्तों, मेरा बहुत मन था टीका, लेकिन बैड लग, देखिए वहाँ पे जो टेबल दिखता आप लोगों को इस टेबल पे रहता था जलेबी, लेकिन अभी नहीं मिला। और देखिए ये है मंदिर दोस्तों, ये है बालाजी मंदिर, इसके अंदर ही अभी दुर्गा पूजा भी होगा, साइड पे पंडाल बन रहा है दुर्गा पूजा का, ये है बालाजी मंदिर, अंदर से देखिए ऐसा दिखता है। अभी मैं जस्ट बालाजी मंदिर के बाहर हूँ, आपको दिखाऊंगी आकर जब ये पूरा बन जाएगा अंदर। नींबू है, नींबू पहले 10 का बनाइए, नाको बमन खा चुके हैं, खा दे एकदम छाल करके एकदम टेस्टी से बना दीजिए। वो नहीं है पकाला, नहीं है अंकुल कच्चा वाला है, पकाला डालिए ना, थोड़ा पकाला थोड़ा ज़्यादा, पकाला थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए, कच्चा वाला कच्चा कच्चा लगता है, सदा सदा हाँ दो जगह दे दीजिए, 10 10 का, 10 10 का, तीखा थोड़ा ज़्यादा डालिए, पकाला लेकिन थोड़ा ज़्यादा दीजिए अंकल, कच्चा वाला मज़ा दे। रात के टाइम पे खाने का मजा ही कुछ और है दोस्तों, लेकिन ये पहली बार मेरा रात का वीडियो आया, देखिए मेरे एक हाथ पे सब्जी, यानी कि मैं सब्जी खरीदती है तो झटपट में इतना कुछ बन गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी शेयर कर दूँ। प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, एडिट करने में तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है, प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कामी परिवार को आँख बंद करके दोस्तों करना तो बनता है। एकदम झाल उससे थोड़ा पड़ेगी हर जगह, वाह स्मेल से तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है दोस्तों, वाह देखिए ये है मेन चना मटर, जब तक वो छक छक का साउंड ना आए इतना यम्मी बन रहा दोस्तों, थोड़ा डिलीशियस। नमक समक ठीक छ? हाँ नमक ब्लैक सो हाँ थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा सा बस, सच में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तीखा बना,
बहुत मज़ा बना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्या था, हमने बनाने का बहुत नमक थोड़ा कम था तो सीधा ही आ गया। देखिए मेरे नाक से लगा दोस्तों, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा तीखा लग रहा है, तो अभी हम लोग सीधा मिलते हैं घर पे, घर पे जाके एंजॉय करेंगे, वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोग। तो चलिए सीधा चलते हैं घर पे। दोस्तों देखिए जब मेरे ये खाना बन रहा है, मेरा खाना का क्या हाल हो गया, अच्छा खाना बिल्कुल पूरा आधा कर दिया, बहुत ज़्यादा खाना भैया समोसा है भगवान, समोसा ही नहीं है। ये कितना एक का 10 और ये वाला और ये 20 कति बने यो 10 एडा कति बने ले कति छ छः। तो अभी हम लोगों ने ये फाइनली ये ऑर्डर किया, ये है क्रीम बोन। हम लोगों ने 6 हमारे परिवार में 6 तो भैया पैक करना है, क्रीम बोन लेके जाएंगे घर पे। बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पास का बेकरी है ये दोस्तों, और हम लोग यहाँ से कुछ ले रहे हैं, देखिए मैंने ले लिया क्रीम बोन। रात का टाइम थोड़ा अंधेरा दिख रहा था दोस्तों बाजार आप लोगों को, क्योंकि लाइट ही नहीं, कितना दिन से सुनने में आया कि 29 में लाइट आएगा, घर में रास्ता खराब हो गया।